हाय गाइस, कैसे हो सब? डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। और मैं आज आपके लिए जो प्लांट लेकर आई हूँ, ये ब्यूटीफुल प्लांट है ड्रसीना मार्जिनेटा। जी हाँ, इसका नाम रेड एजिस भी है, क्योंकि इसके जो लीव्स आप देख रहे हो, उसके जो एजिस हैं, ये देखो, उसके जो एजिस हैं वो रेड कलर के हैं, और इसलिए इसका नाम ड्रसीना रेड एजिस भी है। तो ड्रसीना में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, और इसमें जो आप देख रहे हो, इसी में एक प्लेन भी आता है ग्रीन कलर का। तो और भी इसमें काफ़ी ड्रसीना में वैरायटीज हैं, सो मेनी वैरायटीज़ ऑफ ड्रसीना आर फाउंड। तो आज हम जो बात करेंगे ड्रसीना मार्जिनेटा के बारे में, ये खूबसूरत सा प्लांट कितना अच्छा है, और बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की। तो डियर फ्रेंड, इसका प्रोपेगेशन जो है बहुत ही आसान है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है ये। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो, इसका हाइट है, जो इस छोटे से पॉट में इसकी हाइट 1.5 फीट है। तो जब इसकी जो हाइट है 2.5 हो जाएगी, तो मैं इसका जो प्रूनिंग कर दूंगी, इसके टॉप जो ये देख रहे हो, इसका टॉप यहाँ से मैं इसे कट करके इसकी कटिंग को इसके इसी पॉट में लगा दूंगी। और जो कटिंग है, वहाँ से जो न्यू शूट्स अराइज होंगी और इसे और भी ब्यूटीफुल बुशी लुक देंगी इस प्लांट को, तो ये प्लांट और भी अच्छा लगेगा। सो प्रूनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इसके ड्रसीनिया जो प्लांट है इसमें। तो प्रूनिंग के साथ ये प्लांट और भी बुशी और ब्यूटीफुल बन जाता है। तो ये तो था इसका प्रोपेगेशन के बारे में। और डियर फ्रेंड, इसका जो वाटरिंग है, वो आप ओवर वाटरिंग ना करें, इसे ज़्यादा वाटर पसंद नहीं है। तो जब इसका सॉइल जो है वो ड्राई हो, तभी इसे वाटरिंग करें। और ये जो है प्लांट, इंडोर प्लांट है, और इसे आप सेमी शेडेड एरिया में रखें, और फुल सनशाइन में इसे ना रखें। और इसके अलावा इस प्लांट के ऊपर किसी भी तरह का इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होता, तो इसे किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो, हाँ, फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देने से इसके जो लीव्स हैं, उनकी ब्राइटनेस, उनकी खूबसूरती, कलर जो है बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। सो फर्टिलाइज़र जो है वो आप इसे दे सकते हो। तो अदरवाइज़ ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू प्रोपेगेट, और अगर आप इसे एक बार अपने घर में लगाओगे तो सालों साल चलता है, और इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।